इसी सामाजिक विज्ञान में चैप्टर 3 नूतन विश्व की तरह ज्ञान पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं। तो पहला है सामान्य सभा या फिर इसको महासभा भी कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा समिति। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक समिति। चौथा है अभिभावक समिति। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो ये तो हमारे में संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग यानी कि उसके 6 पार्ट। अब एक एक करके इन सारे पार्ट के बारे में, इन सारे अंगों के कार्य के बारे में, इनकी काम क्या है, क्या क्या करती है, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य सभा यानी महासभा का क्या काम है। जो सामान्य सभा है ये राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है ये जो राष्ट्र संघ होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका ये सबसे बड़ा अंग होता है। कौन? सामान्य सभा या फिर इसको महासभा भी कहते हैं। इसमें जो विश्व के जो सारे राष्ट्र होते हैं, सारे देश होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। सभी देश हैं उनको अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि को इसमें भेजा जा सकता है। जो विश्व के सभी राष्ट्र हैं उनके अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि ही इस राष्ट्रीय सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। पर जब मतदान होता है, वोट होता है, वोटिंग होती है, तो जो 5 सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनमें से किसी एक का वोट इसमें माना जाता है यानी कि मान्य होता है। या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा, सलाह या फिर परामर्श दे सकती है या सिफारिश भी कर सकती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व में कोई भी ऐसा मामला हो, कोई भी झगड़ा या फिर स्वास्थ्य के विषय में, सुरक्षा के विषय में, शिक्षा के विषय में, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, विषय हो, उस पर यह सलाह दे सकती है और सिफारिश भी कर सकती है। महामंत्री, जो सामान्य सभा के जो महामंत्री होते हैं वो हर वर्ष एक बजट प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? बजट। तो बजट वो होता है जो, जैसे हम अपने घर में एक महीने का बजट बना लेते हैं कि हाँ हमारे एक महीने में इतना खर्चा होने वाला है, उसी प्रकार सरकार भी अब हर वर्ष एक बजट प्रस्तुत करती है जिसमें बजट पेश करती है जिसमें वर्ष भर के होने वाले खर्चे का और जितने हुए उन खर्चों का लेन देन होता है, आय व्यय होता है उस बजट में, तो हम उसको बजट कहते हैं। ऐसे ही महामंत्री जो बजट प्रस्तुत करते हैं उसे मंजूर करना तथा इसके खर्च का आवंटन करना ये महामंत्री करते हैं। इस सामान्य सभा में ये होता है आवंटन यानी कि उसको बांटना। आवंटन का अर्थ होता है बांटना। तो ये सब सामान्य सभा के कार्य हैं। राष्ट्रों के जो देश है उनके आर्थिक विकास, मानव के अधिकारों के निशस्त्रीकरण मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया था, इन सभी के निराकरण यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं, इन आर्थिक विकास होते हैं, इन सब के हल खोजने का प्रयास ये समिति करती है। इसका काम होता है कि सभी के जो आर्थिक विकास होते हैं, मानव के जो अधिकार होते हैं, इन सभी का निराकरण करे ये समिति यानी कि कौन? सामान्य सभा या फिर महासभा। सामान्य मामलों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही निर्णय लिया जाता है। जैसे अगर सामान्य सभा में 100 लोग हैं, 100 सदस्य हैं और उसमें से 2/3 यानी कि 75% लोगों ने किसी बात के निर्णय के लिए हाँ बोल दिया और 25% लोगों ने ना बोल दिया, यानी 25 लोगों ने ना बोले और 75 लोगों ने हाँ बोले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता 25 लोगों के ना बोलने से। 75 लोग अगर उस निर्णय से सहमत हैं तो उसको हाँ, उस निर्णय को मान लिया जाता है। तो ये तो थी हमारा सामान्य सभा यानी महासभा का काम कि क्या क्या कार्य करती है। अब दूसरा देखते हैं कि सुरक्षा समिति का क्या काम है। जो सुरक्षा समिति है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत बड़ा अंग है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा समिति, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये समिति
विश्व की सुरक्षा का कार्य करती होगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती होगी। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य यानी कि ऐसे सदस्य जो इस समिति में हमेशा के लिए रहते हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता, उनको लाया नहीं जा सकता। अस्थायी का मतलब होता है कि उनको कभी भी हम निकाल सकते हैं या फिर वापस बुला सकते हैं, लेकिन 5 जो है वो अस्थायी सदस्य है। उसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 देश जो हैं वो सुरक्षा समिति के अस्थायी सदस्य हैं। इस 5 को विशेष वोटिंग वीटो का अधिकार होता है। ये 5 जो सदस्य हैं इनको एक विशेष तरह की वोटिंग यानी मतदान करने का अधिकार होता है, जो होता है वीटो। अब आप सोच रहे हो वीटो क्या होता है। वीटो के अधिकार के अनुसार 5 अस्थायी सदस्य देशों में से, जैसे वीटो का मतलब ये होता है कि जैसे 5 तो अस्थायी सदस्य देश हैं, इनमें से अगर सुरक्षा समिति का कोई निर्णय है, कोई बात है, अगर इस 5 सदस्य में से एक ने भी उस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया तो फिर उस निर्णय को नहीं माना जाएगा, उसको ये सुरक्षा समिति नहीं मानेगी। ये होता है वीटो का अधिकार। तो ये तो था हमारा सुरक्षा समिति। तीसरा है हमारा आर्थिक और सामाजिक समिति। इसको इकोसोक भी कहते हैं। इकोसोक यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसको हम इकोसोक भी कहते हैं। इस समिति को, इसका काम होता है, इस समिति में 54 यानी कि 54 सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के जो देश होते हैं उन देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाने का काम करती है, ऊंचा उठाने का काम करती है। किसके बिना? बिना धर्म जाति के भेदभाव के बिना, या फिर बिना प्रादेशिक भेदभाव के बिना। प्रादेशिक भेदभाव यानी कि जैसे ये इस प्रदेश के हैं, वो इस प्रदेश के हैं, इसके भेदभाव के बिना ये समिति यहाँ के विश्व के देशों के जो लोग होते हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का ये समिति कार्य करती है। इस समिति, ये तो था इस समिति का कार्य। अब ये जो समिति है इसके अंडर यानी कि इसके अंतर्गत भी 6 ऐसी समितियां हैं, उप समितियां हैं जो इसके अंतर्गत काम करती है। किसके अंतर्गत? आर्थिक और सामाजिक समिति के अंतर्गत 6 और छोटे छोटे उप समितियां हैं जो काम करती है। तो देखते हैं कि ये 6 समितियां हैं। तो चलो बच्चों, एक एक करके हम देखते हैं इसके 6 समितियों के बारे में, इसकी जो 6 उप समितियाँ हैं उनके काम क्या क्या है। जो आर्थिक और सामाजिक समिति के अंतर्गत 6 उप समितियाँ आती हैं उनके कार्य क्या क्या है। तो पहला है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका काम होता है कि पूरे जो विश्व के मानव के स्वास्थ्य होते हैं उनके सुधार का कार्य ये समिति करती है। क्या करती है? पूरे विश्व के स्वास्थ्य के सुधार का कार्य ये समिति करती है। कौन सी? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी फिलहाल में आप लोगों ने इस समिति के बहुत नाम सुने होंगे। जब ये कोरोना का महामारी चल रहा है इस समय इस समिति का नाम बहुत आगे आता है, क्योंकि ये समिति स्वास्थ्य से रिलेटेड है इसलिए हमेशा इसका नाम सुना जाता है। दूसरा है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हिंदी हुआ अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा वित्तीय संचित पूंजी। इसका काम होता है वित्तीय स्थिरता स्थापित करना। इसका काम होता है इस समिति का पूरे विश्व की वित्तीय स्थापित स्थिर करके रखने का काम इस समिति का होता है। तीसरा है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संस्था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संस्था है, तो ये खाने से खेत बाड़ी से इन सबसे रिलेटेड होगा। इसका काम होता है यह कृषि उत्पादन
और वन और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने तथा पोषण का स्तर ऊंचा उठाने का काम ये करती है, ये उसमें सहायता करती है। चौथा है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था। ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था क्या काम करती है ये हम जानते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था है ये मजदूरों के अधिकार और उनको न्याय दिलाने का कार्य करती है। विश्व में जितने भी मजदूर हैं उनको उनके अधिकार और उनको न्याय दिलवाने का कार्य ये संस्था करती है। पांचवा है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि बालकों के लिए आकस्मिक सहायता अनुदान। ये ऐसी संस्था है जो बालकों के लिए आकस्मिक सहायता प्रदान करती है। ये विश्व के बालकों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा और बाल कल्याण का कार्य करती है। ये जो संस्था है वो विश्व के जितने भी बच्चे हैं उनके पौष्टिक आहार के लिए काम करती है, उनकी शिक्षा में सुधार के लिए काम करती है और बालकों के कल्याण के लिए जितने भी कार्य हैं ये वो संस्था करती है। कौन सी संस्था? यूनिसेफ। छठा है हमारा यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था। अब ये संस्था क्या काम करती है ये देखते हैं। ये जो संस्था है ये शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था है। यह संस्था निरक्षरता निवारण शिक्षा द्वारा, ये जो संस्था है वो निरक्षरता का निवारण करती है और शिक्षा द्वारा जो लोगों के जीवन स्तर उठे उनको ऊंचा उठाने का काम करती है। जो लोग निरक्षर हैं उनको साक्षर बनाने का काम करती है और शिक्षा के ही द्वारा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य ये संस्था करती है। विज्ञान और संस्कृति साधनों द्वारा, विज्ञान और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा दो देशों के बीच में या हर एक राष्ट्र के बीच में क्या करती है, परस्पर सहयोग बढ़ाने का कार्य ये संस्था करती है। जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे तो एक दूसरे देश के या राष्ट्र के लोग आपस में मिलेंगे, इससे सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, तो ये संस्था ये काम करती है। तो इसी के साथ ये तो था हमारा आर्थिक और सामाजिक समिति के छह उप समितियाँ हैं ये हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? आर्थिक और सामाजिक समिति की छह उप समितियों के बारे में पढ़ा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के अंग और कार्य की जो तीन और जो इसकी समितियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।